और कल पहला पेपर है हिंदी का, तो आपको पेपर से संबंधित कुछ ऐसी चीजें बता दें जिससे आपको जो भी जो अभी तक आपने प्रिपरेशन की है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है और उसको आप सही तरीके से यूज कर पाए। जो भी आपने अपनी लर्निंग जो भी की है उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रस्तुत कर सके कॉपी में। तो उसके लिए की कुछ सावधानियाँ हैं। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जो भी आपको याद है आप ये मान के चलिए जो भी आप लर्न कर रहे हैं अभी आप जो अपने अंदर एक हिसाब से भर रहे हैं अपनी मेमोरी में वो आपके साथ नहीं आने वाला है। पेपर में जैसे ही आप सेंटर पर पहुँचेंगे आपके साथ जो इंटर हाई स्कूल का एग्जामिनेशन जो होता है बच्चों में उनमें ज़्यादा ये चीज़ होती है। जैसे आप सेंटर पर पहुँचते हैं आपके सामने जो आप हशर विशर देखते हैं वहाँ पर भीड़ देखते हैं, उसके अलावा सर्चिंग देखते हैं, पुलिस वगैरह भी वहाँ पर खड़ी होती है, तो इन चीज़ों को देखकर आपको थोड़ा भय लगता है। तो उस भय के कारण आप हड़बड़ाहट में आपके अंदर घबराहट आती है, हेजिटेशन आता है, उन चीज़ों के कारण आपका जो लर्न किया हुआ होता है वो आप भूल जाते हैं। तो आप इस बात पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप वहाँ जाकर सब भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा उससे ये नहीं होगा कि आप बाद में याद नहीं उसको रिमाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप सेंटर पर जाएं आपको ध्यान से सावधानीपूर्वक अपने आप को सर्च कर लेना पहले से ही, आपके पास कोई पर्ची इत्यादि ना हो, कोई भी आपके पास लिखित कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे हाथ वगैरह आप लिख लेते हैं ऐसा कुछ ना हो, सीधे तरीके से जाइए अच्छी अपनी सर्चिंग करवाइए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्चिंग करने के बाद में आपको सबसे पहले तो आप विद्यालय के बाद भी बाहर भी बोर्ड लगा होता है उस पर आपकी जो सीट नंबर है पड़ा होता है रूम नंबर पड़ा होता है, उसके अलावा आप अंदर जाके अपने रूम नंबर और सीट नंबर देख सकते हैं। जैसे ही आप अपने रूम नंबर को देख लेंगे उसी रूम में जाएंगे, और जाने के बाद में सबसे पहले आप सावधानीपूर्वक बहुत ही होशियारी से और बिना डरे हुए आपको अपनी सीट ढूंढकर बैठ जाना है निश्चिंत होकर के। उसके बाद जो भी कॉपी वॉपी आपके पास आएगी कॉपी को भरने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कॉपी को अपने हिसाब से भर रहे हैं या आप आनंद खान भर रहे हैं तो वो त्रुटियाँ हो सकती हैं उसमें। आपके ये जो टीचर आपके क्लास में आएंगे जो अध्यापक बंधु आएंगे वो आपको बाकायदा अच्छी तरीके से एक एक बिंदु समझाएंगे कि कैसे कौन से कॉलम में क्या चीज़ भरी जाएगी, अनुक्रमांक कहाँ भरा जाएगा, नाम कहाँ भरा जाएगा, और विषय का नंबर, विषय का कोड जो होता है कॉलेज कोड होता है, ये सभी चीज़ें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बेझिझक टीचर से पूछें वो आपको बताएंगे और बताने के बाद में आप उनको अच्छी तरीके से फिलअप करेंगे। भरने के बाद में क्योंकि कॉपी भरना बहुत ज़रूरी होता है अच्छी तरीके से, वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान रखें। अगर आप सोच रहे हो कि वाइटनर का प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे, वाइटनर का यूज़ नहीं कर सकते आप, वाइटनर यूज़ नहीं होता है और इसीलिए आप वाइटनर लेके भी नहीं आएंगे। सावधानीपूर्वक कॉपी भरने के बाद जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो पेपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा सबसे पहले आप कॉपी फिलअप करने के बाद उसको रख देंगे एक तरफ, पेन को भी रख दीजिए और एकदम रिलैक्स फील करके बहुत ही एकदम इजीनियस है, जिससे आपको कुछ लगना नहीं चाहिए कि आप कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अरे ये कुछ भी नहीं, जैसे आप उसमें होम विद्यालय में पेपर देते थे उसी तरीके से ये पेपर है, बस जगह चेंज हुई है। तो आपको करना ये है जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसको आप सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही सहूलियत से आपको 15 मिनट्स जो पहले के मिलते हैं वो पेपर को सहूलियत से पढ़ने को मिलते हैं एक्स्ट्रा है वो, तो आप पेपर पढ़िए। देखिए पेपर हल करना कठिन नहीं होता है, पेपर में लिखे क्वेश्चंस को समझना कठिन होता है, क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन आप उनको जब उनको चेंज कर लिया जाता है, उनको पूछने का तरीका बदला जाता है तो आप लोग क्लेम करते हो कि सर ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं, जबकि वो क्वेश्चन होता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है सावधानीपूर्वक क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर आप उसका जब आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्वेश्चन भी उतारते हैं अपनी आंसर शीट में, अपने उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन नहीं उतारना चाहिए बल्कि क्वेश्चन का नंबर डालना चाहिए। जैसे आप खंड का में पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं तो आप प्रश्न को उतार रहे हैं, प्रश्न नहीं उतारना है। ये बात सभी विषयों में लागू होती है, हिंदी में ही नहीं इंग्लिश में भी विज्ञान में भी सभी विषयों में आप खंड अवश्य डालेंगे
खंड जाने के बाद में मान लो आप पहले प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, जो आपका हाशिया इस तरीके से खींचा हुआ होगा, ये आपकी कॉपी होगी और ये हाशिया खींचा हुआ होगा, तो यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या एक। अब आप सीधे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी एग्जामिनर होंगे वो क्वेश्चन, उनके पास क्वेश्चन पेपर होता है, उसे वो खुद ही मैच करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। दूसरी चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि खंड जब भी बदलेगा, जब भी आप खंड बदलेंगे तो खंड नए पेज से स्टार्ट किया जाता है। मान लो आपका खंड के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, आपका पूरा एक पेज भर गया, फिर दूसरा जो पेज है वो आधा भर गया है। अब आप सोचते हैं कि खंड खा यहीं पर डाले हम और यहीं से लिखना शुरू कर दें, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। खंड को जब भी चेंज करेंगे तो नए पेज से चेंज करें, चाहे आपका आधा पेज भरा हो या दो लाइनें ही भरी हो। पेपर में कॉपी के पेजेस की चिंता आप नहीं करेंगे, आपको ए कॉपी के अलावा बी कॉपी भी मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होती है, क्वेश्चंस के आंसर देने का एक मानक होता है। आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो कोई स्पेशल आंसर नहीं दे रहे हैं, हर क्वेश्चन के आंसर्स का एक मानक है कि इतने वर्ड्स में लिखा जाएगा, इतने वर्ड्स में ये क्वेश्चन लिखा जाएगा, इतने वर्ड्स में लिखा जाएगा, तो उसके हिसाब से एक कॉपी जो आपको प्रदान की जाती है वो पर्याप्त होती है, वो सफिशियंट है, उतने शब्दों को लिखने के लिए उसी हिसाब से वो कॉपी बनती है। पर बच्चे ए बी और सी तक कॉपी देते हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। वो सी कैसे देते हैं हम आपको बताते हैं। ये आपको कॉपी मिलती है तो वो काफ़ हाँसियाँ यहाँ से खींचते हैं और इधर हाँसियाँ यहाँ से खींचते हैं, बीच में लिखते हैं, आधा पेपर उनका बेकार जाता है, आधे पेपर को लिखते ही नहीं है। ये पेपर देने का गलत तरीका है, इसे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बाकायदा अपने वन साइड में थोड़ा सा इतना लिखा है उसी हिसाब से हाँसा खींचिए, बाकी इधर इस तरीके से छोड़ दीजिए, ऐसा इधर से भी हाँसियाँ नहीं खींचना है। और उसके अलावा आप जो भी अपने क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो देखिए क्रम बहुत मायने रखता है। खंड का लिख लिया तो खंड जब का पड़ चुका है तो आप सबसे पहले खंड का के ही सारे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, खंड खा में तब घुसिए। मान लो मुझे खंड का के तीसरे प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो मैं उसके लिए स्पेस छोड़ूंगा, अगर मुझे थोड़ा भी कर सकता है कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ तो बाद में तब स्पेस छोड़ूंगा, ना कि खंड का प्रश्न नंबर एक जगह छोड़ दी, प्रश्न नंबर दो का उत्तर जगह छोड़ दी, आप पेज छोड़ते चले जा रहे हैं, ये तरीका गलत है। आपको अगर पता है तो उसकी स्टार्टिंग करिए, लिख भी लिख ही दीजिए, ये सोचकर आप जगह छोड़ रहे हैं कि इसका आंसर बाद में दे देंगे, ये बाद में आपको पेपर अपनी कॉपी ना इसको वापस पढ़ने तक का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अभी अंदाजा नहीं है कि आप कितना समय लगा देंगे इस पेपर को आंसर देने में। तो आपको जो भी पता है अभी से ही क्रम वाइज लिखते जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर देने में क्रम बहुत मायने रखता है। सीरियल जब होता है तो उससे कॉपी चेक करने में बहुत ही आसानी रहेगी, सुविधाजनक तरीके से आपको मूल्यांकन हो पाता है और उनके अंक प्राप्ति हो पाती है। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे देंगे, समय बचेगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे फिर पहले वाले पन्ने पे पहले पेज पे आएंगे, फिर बाकायदा आप देखें अपने लेख को कि आपने कितने समय में कैसा राइटिंग में लिखा है, राइटिंग कैसी लिखी है, जल्दबाजी है, कहीं पर कोई क्वेश्चन आंसर देना भूल गए हैं उस त्रुटि को सही करिए। आगे से ज़्यादा ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिए, अगर क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में मांगा है तो आप 25 से 30 के बीच में दे दीजिए, इतना ही पर्याप्त है। 40 में दे देंगे तो नॉट रिक्वायर्ड है, वो आपको 40 शब्दों में लिखने पर दो अंक के आंसर में 4 अंक नहीं मिल जाएंगे, दो ही मिलेंगे। ये सभी सावधानियां आप बरतें। और इसी के साथ में आपको एक चीज़ और भी बता दें, वो बच्चे जिनकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई थी तो आपको बता दूं ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, आपने प्रिपरेशन नहीं की, आपकी त्रुटि है इसमें, आपका खुद का गलती है, ना कि आप इस पर दोषारोपण कर सकते हैं किसी और पर, और आप मतलब क्लेम करें कि हमें टाइम नहीं मिला ये सब चीज़ें। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि आप पेपर देने अवश्य जाएं। जिन बच्चों की कोई तैयारी नहीं है, आप इधर उधर कामों में लगे रहे, आपने अब आप सोच रहे हो कि यार पेपर देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम फेल हो जाएंगे, तो ऐसे बच्चों से मैं स्पेशल कहना चाहूँगा आप पेपर देने अवश्य जाएं। क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स होते हैं वो आप जैसे दे सकते हैं अभी पढ़िए, अभी से कल तक पढ़िए, तैयारी कीजिए। और वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप पेपर देने जाइए और आप जितना हो सकता है क्वेश्चंस के आंसर देने में उतना आंसर दे दीजिए, उतना संबंधित लिख दीजिए, कम से कम कॉपी तो भरे ही दीजिए, नहीं जा रहे थे ये बेटर रहेगा, तब आपको अपने मूल्यांकन का पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सही तरीके से मूल्यांकन हुआ होता तो जो अभी 78% लाते हैं इनको इमला नहीं मिलता है, और जो 40, 35, 33 मतलब पास हो पाते हैं उनको अच्छा खासा पता होता है पेपर के बारे में। याद रखें, ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चों के नंबर तभी सही आ सकते हैं जब उनका मूल्यांकन भी उसी माध्यम से हो, उसी तरीके से हो। मूल्यांकन की हालत भारत में, बल्कि भारत में मैं क्या यूपी बोर्ड में ज़्यादा कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हालत खस्ता है, मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया जाता है। इस बात का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को, यूपी बोर्ड को भी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जो मेहनती बच्चे होते हैं वो 40 और 50 के बीच में मार्क ला के रह जाते हैं, जो बच्चे इधर उधर से नकल मार लेते हैं, इधर से आना फाना ले लेते हैं, पता नहीं किस तरीके से कॉपी चेक होती है, उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर फिलहाल उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बगुला और हंस की पहचान हमेशा समय आने पर हो जाती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप पेपर देने अवश्य जाएँ। हो सकता है आपका दिमाग, आपको नहीं पता है कि किस तरीके से चलता है, हो सकता है आपको उन क्वेश्चन का आंसर पता हो, हो सकता है आप उनके आंसर दे पाएँ, और हो सकता है आपको बाकायदा मूल्यांकन गलत तरीके से होने का कारण आपको पास भी कर दिया जाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप पेपर देने अवश्य जाएँ, और जो भी सावधानी मैंने बताई उनको अवश्य अपना